जहां एक ओर पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं जहां इस दौर में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, वहीं डॉक्टर अपनी मनमानी पर उतर आए हैं और मरीजों से पहले पैसा ले लेते हैं, फिर इलाज नहीं देते हैं। जी हां, आपने सही सुना, मुरादाबाद के अस्पतालों का कुछ इस तरह ही हाल इस कोरोना काल में चल रहा है। ये मेरे बहनों ही हैं जो यहाँ पर एडमिट हैं। शाम को इनकी कॉल आई थी हमारे पास, बोले TMU रेफ़र कर दो। तो हमने बोला TMU रेफ़र कैसे कर दें, जब आपके वहाँ मूवमेंट हो गया हमारे मरीज का, तो हम TMU भर्ती क्यों करें। तो इन लोगों ने बोला इनकी कंडीशन जो है वो कोरोना पॉजिटिव में है। तो मैंने परसों से इनको भर्ती कर रखा है यहाँ पर, और इन्होंने 60,000 रुपये 3 दिन का किराया बताया खाली बेड रेस्ट का, दवाई अलग है। भाई मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं इन्हें कहाँ लेके जाऊँगा ये बताइए। अब ये लोग कह रहे हैं TMU ले जाओ, ये कह रहे हैं ये संक्रमित हैं, अभी तक रिपोर्ट नहीं दी इन्होंने, कोई रिपोर्ट नहीं बताई है, ज़बरदस्ती भेज रहे हैं लोग। ये कह रहे हैं हमारे पास में तुम्हारा मेडिसिन नहीं है और हमारे पास में ये फैसिलिटी नहीं है, नहीं बताया। हमने तो परसों एडमिट कर दिया था बस इनको, एंसुलिन में डाल दिया था इन्होंने। हमें पता है वहाँ पर, हम तभी तो लेके नहीं जा रहे, हमें डर लगा हुआ है हमारे पेशेंट की कोई हालत ख़राब ना हो जाए। डॉक्टर साहब तो यही बोल रहे हैं TMU लेके जाओ, वरना हम पुलिस बुला लेंगे। आप यहाँ पे नाटक कर रहे हैं, यूँ कह रहे हैं हमसे। जी हमने खाली आपको फ़ोन करा है, उसके बाद में यूँ कह रहे हैं हम पुलिस बुला लेंगे यहाँ पर, आप किसी को भी फ़ोन कर दो। जहाँ एक ओर सरकार के द्वारा कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं और सभी को स्वस्थ रहने की सलाह दी जा रही है, COVID-19 के नियमों का पालन करने को कहा जा रहा है, तो वहीं अब अस्पताल में भी कोरोना के नाम पर मरीजों से खूब वसूली की जा रही है। कोरोना संक्रमित ना होने पर भी मरीजों को कोरोना संक्रमित बताया जा रहा है, ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद के विवेकानंद अस्पताल का सामने आया है, जहां मरीज को 3 दिन एडमिट के बाद 60,000 का बेड रेस्ट बिल बनाया गया और तीसरे दिन TMU रेफ़र करने की बात कही। जब मरीज़ के परिजनों ने अस्पताल परिसर के डॉक्टरों से बात की, तब उन्होंने कहा आपका मरीज़ कोरोना संक्रमित है। बिना किसी रिपोर्ट से डॉक्टर साहब ने मरीज़ को कोरोना संक्रमित कर दिया और बोले कि तुरंत TMU लेकर जाएं। फिर परिजनों से बात की गई तो बताया कि हमारा मरीज़ ठीक है, लेकिन विवेकानंद अस्पताल के डॉक्टर मरीज़ को कोरोना पॉजिटिव बताकर TMU रेफ़र करने की बात कर रहे हैं। जहाँ एक ओर सरकार कोरोना मरीज़ों के लिए इतनी सुख सुविधा मुहैया करा रही है, तो वहीं ये स्वास्थ्य कर्मी इन सुविधाओं पर कालिक पोतते नज़र आ रहे हैं और मुरादाबाद के हर अस्पताल का मरीज़ों को TMU रेफ़र करना कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। और TMU से ही आए दिन किसी न किसी मरीज़ की आत्महत्या होना भी एक बड़ा सवाल पैदा करता है, लेकिन मुरादाबाद प्रशासन इतना सब देखने के बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है। मुरादाबाद का ज़िला प्रशासन ये सब मूक दर्शक बनकर देखता रहता है। अभी हाल ही में एक कोरोना संक्रमित बैंक कर्मी ने भी TMU के कोविड सेंटर की 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या की थी। इससे पूर्व में भी एक महिला ने 3री मंजिल से कूदकर आत्महत्या की। क्या मुरादाबाद जिला प्रशासन द्वारा इसकी जांच पड़ताल करवाई गई कि TMU परिसर में कोरोना संक्रमित मरीज आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्या योगी सरकार में जनता का ऐसा ही हाल होता रहेगा या मरीजों को सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, यह तो वक्त ही बताएगा। कानपुर से न्यूज़ हब भारत।